मिशन मेरा पोर्टल पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक नया ऑप्शन बढ़ गया है, ऑल रजिस्टर डैशबोर्ड। आइए जानते हैं ये क्या है। इस तरह से पोर्टल पर लॉगिन हो जाने के बाद आपको पहले यहाँ पर ये ऑप्शन शो करेगा, इसके आगे न्यू लिख कर आ रहा है, इस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सेशन 2023-24 आ रहा है। यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, आपके विद्यालय का नाम और यहाँ पर यूडाइस कोड आ रहा होगा और स्कूल टाइप है पीएस है या यूपीएस है और एरिया टाइप यहाँ पर आ रहा होगा, रूरल है तो आर, अर्बन है तो यू आ रहा होगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो न्यू टैब आ गया है ये सभी रजिस्टर्स का आ गया है। जैसा कि आपकी जो फिजिकली तौर से ऑफलाइन रजिस्टर विद्यालय में हैं जो 14 पंजिकाएं बताई गई हैं, उसी तरह से यहाँ पर ऑनलाइन सभी पंजिकाएं आ चुकी हैं, जैसे निःशुल्क सामग्री वितरण पंजिका, विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका, स्टॉक पंजिका। इनको अगर आप देखना चाहते हो तो नीचे लिख कर आ रहा है व्यू टेबुलर, ऐसे आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। और नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे पुस्तकालय खेलकूद पंजिका है, प्रवेश पंजिका है, कार्मिक उपस्थिति पंजिका है, इन सबको व्यू टेबुलर रजिस्टर पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। पत्र व्यवहार पंजिका, बाल गणना पंजिका, बैठक पंजिका, उसके बाद ये सारी पंजिकाएं आप आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे मान लीजिए हम विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका ओपन हो गई है, यहाँ पर विद्यालय की डिटेल होगी। यहाँ पर देख सकते हैं कक्षा सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है, कौन सी क्लास के लिए, जैसे क्लास 1 है, उसके बाद महीना आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे अभी जो मई चल रहा है हमने मई सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद वर्ष अभी 2020 है, यहाँ पर सर्च पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर देखिए अभी कोई रिकॉर्ड नहीं भरा गया है, अभी क्या है ये क्यू डैशबोर्ड पर ये न्यू रजिस्टर सभी आ गए, हो सकता है फ्यूचर में इन सभी की एंट्रीज आपको ऑनलाइन करनी पड़े। तो इस तरह से ही न्यू ऑप्शन आपका देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं।